इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा नासिर अब्बास का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डेरा इस्माइल खान में कातिलों ने ईद के रोज भी टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी रखा, लेकिन सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आई। अल्लामा नासिर अब्बास का कहना था कि इमरान खान अमजद साबरी की शहादत पर कराची तो जा सकते हैं, लेकिन डी आई खान में शोहदा के घर क्यों नहीं जा सकते। इनकी पुलिस वहाँ पर नाकाम तरीन पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस। इनका डीपीओ वहाँ बैठा हुआ डीआई खान के अंदर, क्या किया उसने आज तक? तीन दिन पहले, दो दिन पहले लोग मारे गए, तीन, उसके बाद आज मारा गया, उससे पहले लोग मारे जा रहे हैं। कोई पेशावर शहर के अंदर कातिल कत्ल करते हैं और पैदल चलते हुए जाते, कोई नहीं पकड़ता उनको। अल्लामा नासिर अब्बास का कहना था कि इमरान खान अपने सूबे पर तवज्जो दें, वरना इनका हाल भी रईसानी हुकूमत जैसा होगा। कहाँ जाए हम? आज 56 दिन से ज्यादा में भूख हड़ताल को हो गए, इसी जुल्म के खिलाफ हम बैठे थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारा रियासती निजाम, सिक्योरिटी के इदारे और हुकूमतें जिन पर अवाम के जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, वो नाकाम है। MWM के सरबराह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से डीआई खान समेत मुल्क भर में फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन करने का मुतालबा किया है।